नमस्कार दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक। दोस्तों, जैसा कि कल हम लोग BLIS 222 स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो कल कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्स हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। और दोस्तों, मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा क्योंकि कल का जो वीडियो था उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब थी, तो आप लोगों की सुविधा के लिए मैं उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में PDF प्रोवाइड कर दिया हूँ, आप वो डाउनलोड कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि वो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है तो वो भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, आज का जो हम लोग टॉपिक रखेंगे वो प्राइमरी सोर्स, सेकेंडरी सोर्स और टर्शरी सोर्स, ठीक है? ये यूनिट 2, 3 एंड 4 आज हम लोग 2 एंड 3 ये कंप्लीट कर लेंगे। और दोस्तों, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। अगर आप BLIS के एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप इसमें मान के चले कि 10 नंबर आपका पक्का आ जाएगा, ठीक है? मैं अभी आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी दिखा देता हूं। दोस्तों, आज का वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लॉन्ग हो जाए, लेकिन आपको वीडियो में कंटिन्यू बने रहना है, क्योंकि अगर आप लाइब्रेरियन की पढ़ाई कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो को आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे आपको ये मान के चलना है कि ये क्वेश्चन कन्फर्म पूछा जाएगा, ठीक है? देखिए दोस्तों, ये BLIS 222 दिसंबर 2018 का क्वेश्चन है। इसमें आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि सूचना के द्वितीयक स्रोतों का उपयुक्त उदाहरणों के साथ संक्षेप में वर्णन कीजिए, 10 नंबर का है। इसके बाद आप देख सकते हैं दोस्तों, 2.3 में देख सकते हैं, सूचना के तृतीयक स्रोतों का उपयुक्त उदाहरणों के साथ वर्णन कीजिए, जो कि 5 मार्क्स का है। यानी कि इस टॉपिक से आपको टोटल 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और 70 मार्क्स में अगर आपका 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो आप समझ सकते हैं कि ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। मुझे नहीं लगता कि इस वीडियो को आपको ज़रा सा भी स्किप करना चाहिए, क्योंकि अगर इस वीडियो को देख के आपके 15 मार्क्स अगर आ जाते हैं तो ये काफ़ी अच्छी बात होगी, ठीक है? तो चलिए, आज थोड़ा वीडियो लॉन्ग होगा क्योंकि बीच बीच में मैं आपसे बातें भी करूँगा, कुछ इन्फॉर्मेशन भी दूँगा, तो आप वीडियो में बने रहेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग प्राथमिक स्रोत इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। और आपने क्वेश्चन में देख चुका है दोस्तों, ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मुझे नहीं लगता कि आपको ये वीडियो को अवॉइड करना चाहिए। आप पूरा वीडियो कंप्लीट देखें, भले ही ये वीडियो अगर 30 मिनट का भी हो जाता है तो कोई इससे समस्या नहीं होगी। देखिए, प्राथमिक स्रोत वे स्रोत होते हैं जिसमें ऐसी मौलिक सूचनाओं का समावेश होता है जिसे प्रथम बार प्रकाशित, सूचित अथवा लिपिबद्ध किया जाता है गया है। दोस्तों, कहने का मतलब क्या है, देखिए, प्राथमिक स्रोत नाम से ही हमें पता चल रहा है कि जिस जहाँ से हम लोगों को डायरेक्ट सोर्स मिलता है उसे प्राथमिक सोर्स कहते हैं, तो इसका उदाहरण भी हम लोग देखेंगे। और दोस्तों, सूचना स्रोत क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कल बात कर चुका हूँ, लेकिन आपको बता देता हूँ कि जहाँ से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो जहाँ से इंफॉर्मेशन मिल रही है उसे हम लोग सूचना स्रोत कहते हैं, ठीक है? अब देखिए, प्राथमिक स्रोत को अपरिपक्व रूप से ज्ञान, तथ्यों या मतों की नई व्याख्या का प्रेक्षण या प्रयोग आदि शामिल है। नवीन सूचनाओं का प्रकाशन किसी सामयिक में प्रलेख, मोनोग्राफ, शोध प्रतिवेदन, एकस्व शोध प्रबंध या किसी लेखन को पुनः मुद्रण या किसी अन्य कृति के रूप में होता है। अपनी प्रकृति के अनुसार सूचना के प्राथमिक स्रोत ज़्यादातर बिखरे हुए होते हैं तथा उनमें सन्निहित सूचना को ढूंढने में बहुत कठिनाई होती है। सूचना के प्राथमिक स्रोतों का चयनित सूची निम्नलिखित है। अब दोस्तों, यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल आपको बता देता हूँ, जैसा कि ये बुक में लिखा हुआ है, तो देख लीजिए, प्राथमिक सामयिकियाँ, सेकेंड है समाचार पत्र, थर्ड है तकनीकी प्रतिवेदन, शोध प्रबंध, और लास्ट उसके बाद है सम्मेलन एवं प्रस्तुत आलेख, एकस्व, और लास्ट में क्या, मानक। अब दोस्तों, यहाँ पे देखिए, समाचार पत्र से आप क्या समझ रहे हैं, मान लीजिए कि अगर हम कोई समाचार पत्र से हम लोग अगर कोई इन्फॉर्मेशन या कोई सूचना को लेते हैं और उसे एक वेबसाइट में डाल देते हैं, तो वो वेबसाइट क्या होगा, वो द्वितीय स्रोत होंगे, ठीक है? प्रथम स्रोत वहाँ पे क्या हो गया, एक समाचार पत्र हो गया। अब देखिए, प्राथमिक स्रोतों में क्या समस्याएं हैं, तो समस्याएं भी आपको नोट करनी है, क्योंकि दोस्तों आप क्वेश्चन में देख चुके हैं कि वहाँ पे कुछ भी पूछा जा सकता है, कभी समस्याएँ पूछी जाएंगी, कभी जो भी टॉपिक होता है, मैं आपको कंप्लीट डिटेल यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, ठीक है? अब हम लोग देख लेंगे कि प्राथमिक स्रोत की में क्या क्या समस्याएं आती है।
देखिए, प्राथमिक स्रोत दूर दूर तक बिखरे हुए होते हैं तथा बहुत बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं, और केवल एक विषय में प्रकाशित प्राथमिक स्रोत को चिन्हित करना भी कठिन कार्य है। इस समस्या को हल करने के लिए प्राथमिक स्रोत में उपलब्ध सूचना को लगातार योजनाबद्ध तरीके से संकलित, व्यवस्थित, पुनः स्थापित करने में करके उन्हें प्रकाशन के जिस अन्य सेट के माध्यम से प्रकाशन के जरिए संप्रेषित किया जाता है, वे सूचना प्राथमिक स्रोत कहलाते हैं। दोस्तों, यहाँ मिसप्रिंट से द्वितीयक स्रोत हो गया, लेकिन आपको यहाँ पे प्राथमिक स्रोत नोट करना है, ठीक है? तो दोस्तों, यहाँ से देखिए, प्राथमिक स्रोत कंप्लीट हो चुका है, ठीक है? तो इसका आप नोट्स बना लेंगे, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा जाता है तो सिर्फ इंडिविजुअल प्राथमिक स्रोत के बारे में पूछा जाएगा, अगर लॉन्ग में पूछा जाता है तो प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक स्रोत भी साथ में पूछे जा सकते हैं, ठीक है? तो आपको किसी भी प्रकार का अंदाज़ा नहीं लगाना है, जो भी पढ़ाई हो रहा है वो कंप्लीट आपको कर लेना है, ठीक है? अब चलिए हम लोग द्वितीयक स्रोत के बारे में जानकारी ले लेते हैं। देखिए, सूचना के द्वितीयक स्रोत, दोस्तों सूचना के द्वितीयक स्रोत आपको नाम से ही पता चल रहा है, आप इसे खुद भी लिख सकते हैं, लेकिन जो एक डिफिनेशन, एग्जैक्ट मीनिंग वर्ड होना चाहिए, तो उसके लिए आपको नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट होता है। फिर भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि मान लीजिए अगर कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है और दूसरे माध्यम से आप उन्हें किन्हीं और तक पहुँचा देते हैं तो क्या होगा, वो ये द्वितीयक स्रोत के उदाहरण होंगे, ठीक है? अब देखिए, सूचना के द्वितीयक स्रोत अपने अस्तित्व के लिए सूचना के प्राथमिक स्रोतों पर निर्भर करते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैं आपको पहले बताया हूँ, वे सामान्यतः प्राथमिक प्रलेखों को संक्षिप्त रूप में या सहायक क्रम में सूचीबद्ध करके दी गई सूचना को प्रस्तुत करते हैं, ताकि प्राथमिक प्रलेखों का अस्तित्व बना रहे और उन तक आसानी से पहुँचा जा सके। सूचना को पुनः व्यवस्थित करने के आधार पर द्वितीयक स्रोतों को सामान्यतः निम्न चार समूहों में बांटा जा सकता है। देखिए दोस्तों, द्वितीयक स्रोत के बारे में हम लोग देखे थे कि क्वेश्चन लॉन्ग पूछा गया था, ठीक है? तो ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, जैसा कि आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखा, कि सूचना के द्वितीयक स्रोत के बारे में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो 10 मार्क्स का था, यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन 500 वर्ड में लिखनी होती है। तो यहाँ पे ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, तो इसे आज हम लोग डिटेल में देख लेते हैं, क्योंकि आज मैं यहाँ पे तीनों टॉपिक कंप्लीट करूँगा, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक स्रोत। और ये आप सिलेबस में भी देख चुके हैं इग्नू के, और क्वेश्चन पेपर में भी देख चुके हैं, तो समझ सकते हैं कि ये कितना इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप कम से कम कोशिश करें कि आप मेरे चैनल में, इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं कि अगर ये वीडियो आपको लगता है कि आपकी उपयोगिता के लिए है, एग्ज़ाम में आपको ये काफ़ी हेल्प मिलेंगे, तो आप मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। आपको पता है ये कि सब्सक्राइब करने से तो आप लोगों का कोई लॉस नहीं है, लेकिन अब मुझे कॉन्फिडेंस बढ़ती है, मुझे लगता है कि जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इतनी मेहनत कर रहा हूँ, तो ये बेहतर कार्य कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इतना सहयोग कर ही सकते हैं कि आप वीडियो को शेयर कर सकते हैं, खुद से सब्सक्राइब भी कर लें, और इसमें रिस्पांस अभी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप इसी तरह सहयोग देते रहें। अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो आप कृपया करके वीडियो को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? सॉरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए देख लेते हैं, अनुक्रमणिका, जिसे हम लोग सारांश रूप भी कहते हैं, सेकंड में क्या है, सर्वेक्षण रूप, थर्ड में संदर्भ पुस्तकें, जिसे रेफरेंस बुक भी कहते हैं, तकनीकी अनुवाद के रूप में। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, तकनीकी अनुवाद क्या होता है, रेफरेंस बुक आप लोगों ने ग्रेजुएशन में पढ़ाई किया होगा, तो आप देखेंगे आपका जो टेक्स्ट बुक होता है, जैसे NCERT कंप्लीट करने के बाद आपको सजेस्ट किया जाता है कि आप रेफरेंस बुक भी पढ़ें, जिससे क्या होगा, रेफरेंस बुक से आपका नॉलेज अधिक होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सारांश रूप। देखिए, इंडेक्स शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन शब्द इंडिकेयर से हुई है, जिसका अर्थ है संकेत करना या प्रदर्शित करना। अनुक्रमणिका द्वितीय प्रकार का स्रोत है, द्वितीय स्रोत प्राथमिक स्रोतों का अवलोकन करके संबंधित मदों का चयन करके उन्हें आसानी व शीघ्रता से पुनः प्राप्ति के लिए सहायक क्रम में व्यवस्थित करते हैं। इस श्रेणी के अंतर्गत अनुक्रमणिकाएँ, दोस्तों देखिए यहाँ पे जो डिफिनेशन है, ये अनुक्रमणिकाएँ का सारांश रूप का डिफिनेशन है, ठीक है? तो इसे मैं एक बार स्क्रीन में रोटेट कर देता हूँ, आप इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है? उसके बाद का जो, क्योंकि देखिए इतना लॉन्ग है, अगर मैं इसे पढ़ के अगर सुनाता हूँ तो ये एक टाइम वेस्ट होगी, और मैं चाहूँगा कि आप लोगों का समय अभी बर्बाद ना हो, क्योंकि इसे तो आप भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इसके जो एक्सप्लेन करने लायक टॉपिक है बिल्कुल एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ और कर भी दूंगा, ठीक है? अभी आगे आप देखेंगे, लेकिन आज हम लोग ये टॉपिक को कम्प्लीट किसी भी हालत में कर लेना है, वीडियो भले ही लॉन्ग बन जाएंगे कोई बात नहीं।
देखिए सर्वेक्षण रूप हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे, आप स्क्रीन में पहले आप देख लेंगे और आप इसे बिल्कुल नोट कर लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए सर्वेक्षण रूप क्या होता है। ये प्रकाशन प्राथमिक एवं द्वितीयक साहित्य का सर्वेक्षण करने में निम्न सहायता प्रदान करते हैं। पहले विषय का विहंगावलोकन, सेकंड में क्या है विषय के महत्वपूर्ण साहित्य को प्रकाश डालना, थर्ड में क्या अध्ययन के विशेष क्षेत्र में प्रगति को दर्शाना, यानी वार्षिक समीक्षाएं। दोस्तों वार्षिक समीक्षाएं तो आपको पता ही होगा कि जो गवर्नमेंट के द्वारा वार्षिक चार्ट निकलती है, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ऐसा सजेस्ट किया जाता है कि आप जो भी गवर्नमेंट की वार्षिक समीक्षाएँ हैं वो पढ़ाई करें, ठीक है। थर्ड में क्या उपयोगिता के विशेष समूह को ध्यान में रखते हुए किसी प्रकार के प्राथमिक साहित्य को सरल व समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करना, जिसे हम लोग पाठ्य पुस्तक कहते हैं, ठीक है। संदर्भ पुस्तकें, इसके बारे में तो मुझे नहीं लगता कि उतना डिटेल में हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, क्योंकि हम लोग सभी को पता है कि आप लोगों ने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया होगा तो आप एक टेक्स्ट बुक के अलावे भी कोई रेफरेंस बुक पढ़ाई किए होंगे, क्योंकि आप 11th क्लास में होंगे, 12th में या ग्रेजुएशन में भी, तो रेफरेंस बुक का वैल्यू आपको पता ही होगा। तो चलिए हम लोग एग्ज़ाम में कैसे लिखेंगे वो हम लोग चर्चा कर लेते हैं, ठीक है। देखिए संदर्भ पुस्तकें विशिष्ट या सामान्य विषय तथ्यों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर, सांख्यिकीय सूचना तथा पृष्ठभूमि सूचना प्रदान कराती है। संदर्भ पुस्तकों के अंतर्गत शब्दकोश, विश्वकोश, निर्देशिकाएँ और शब्दकोश, जिसे हम लोग ईयर बुक कहते हैं, पंचांग, मानचित्र, भूचित्र वाली आदि आते हैं। ये स्रोत विशिष्ट विषय पर तथ्यों को ढूंढने के लिए उपयोगी है। सूचना को शीघ्र खोजने के लिए विषय शीर्षकों को इन स्रोतों में वर्णा क्रमानुसार रखते हैं। इन स्रोतों को परामर्श हेतु प्रयुक्त किया जाता है, न कि लगातार पढ़ने के लिए। ग्रंथालय से ऋण पर लेने के लिए उपलब्ध नहीं होते हैं। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप BLIS कंप्लीट कर चुके हैं और अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ के लिए भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ग्रंथालय यानी कि लाइब्रेरी से कौन सा इसमें से बुक को आप नहीं ले सकते हैं। तो उसमें से अगर रेफरेंस बुक एक ऑप्शन होगा तो आप उसे ही टिक करेंगे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों की नॉलेज के लिए भी, मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई डिक्शनरी है, तो आप ऐसा तो नहीं होता है कि डिक्शनरी को बैठ के आप पढ़ाई करते हैं, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। डिक्शनरी का यूज तब हम करते हैं जब किसी वर्ड में फंस जाते हैं और उस वर्ड को ढूंढने के लिए हम लोग डिक्शनरी का यूज़ करते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आप लोग चाहेंगे तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं जैसे कुछ ऐसा टॉपिक हैंड राइटिंग में भी पढ़ाता हूँ, मेरा ये भी प्लान था कि इस टॉपिक को मैं हैंड राइटिंग में पढ़ा दूँ, और बिल्कुल मैं ये राइटिंग को तैयार कर चुका हूँ, लेकिन क्या हुआ कि आज मैं किसी कारण स्कैन उसे नहीं कर पाया, तो मैं सोचा कि वीडियो कल अपलोड करूंगा, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं कल का वेट करता हूं तो आज का टाइम आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा, और अगर आज का टाइम हम लोग यूज करके और अगर इस वीडियो को पढ़ा देते हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि आप मान के चलिए 10 नंबर पक्का यहां से आना ही है, मैं 15 अगर आपका लक अच्छा रहा तो शायद 15 भी आ जाए, लेकिन 10 तो आपको मान के चलना है कि आएगी ही। तो इसलिए मैं बुक से डायरेक्ट आपको पढ़ा दे रहा हूं, लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे नोट से पढ़ाना चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। चलिए अनुवाद की बात करते हैं। अनुवाद का मतलब क्या होता है? ट्रांसलेशन के बारे में तो आप लोगों को पता ही होगा कि जब आप जूनियर क्लास में होंगे तो आप ट्रांसलेशन भी पढ़ाई करते होंगे, अभी भी करते होंगे, और ट्रांसलेशन का यूज तो आपको पता ही कि क्यों किया जाता है प्रैक्टिकल लाइफ में। देखिए अभी बहुत सारे अनुवादक का ट्रांसलेटर का वैकेंसी SSC के थ्रू आती है, तो अगर आप एक लाइब्रेरियन बनने जा रहे हैं तो आपको ये सब नॉलेज कंप्लीट होनी चाहिए कि अनुवाद क्या होता है। चलिए जब कभी प्राथमिक स्रोत को उपयोगिताओं को मूल स्रोत की भाषा से जानकार नहीं है के लिए लाभ के लिए एक दूसरी भाषा में अनुवादित करते हैं तो उदाहरण द्वितीय स्रोत बन जाते हैं। रूसी, चीनी व जापानी भाषाओं में कुछ प्राथमिक अनुसंधान सामयिकियों को अंग्रेजी जानने वाले उपयोगिताओं के लिए अंग्रेजी का पूरा अनुवादित किया जाता है। देखिए दोस्तों इसे हम लोग कितने आसान भाषा में समझ जाएंगे अभी, ठीक है। आप लोग रेसलिंग देखते होंगे, WWE, उसमें एक इंडिया के जो रेसलर थे खली, उनके बारे में सभी लोग जानते होंगे, तो उनके साथ एक ट्रांसलेटर रहते थे, मैनेजर, ठीक है। तो जब कोई वहाँ पे कुछ इंग्लिश में बोलते थे तो वो ट्रांसलेट करके खली को बता देते थे। तो खली के लिए क्या होते थे? वो द्वितीय स्रोत होते थे। प्रथम स्रोत कहाँ से होते थे? जहाँ से उनको कुछ बोला जाता था इंग्लिश में, लेकिन खली को जो ट्रांसलेट करके बताते थे वो ट्रांसलेटर होते थे, ठीक है। तो यहाँ पे वही कहा गया, तो इसे हम लोग आसान तरीके में समझ लिए, क्योंकि देखिए वो सब हम लोगों को याद होता है। अब देखिए तृतीयक स्रोत, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं, जो कि आज के लिए लास्ट टॉपिक होगा,
लेकिन आप इसका इंपॉर्टेंस आप समझ सकते हैं कि आज कितना महत्वपूर्ण टॉपिक 2 to 2 में पढ़ाई की जा रही है। और 2 to 1 में मैं कंप्लीट 21 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, 21 या 22 वीडियो है, तो वो वीडियो को भी आप देख सकते हैं। वहाँ से भी आप मान के चलें कि आपको पास मार्क्स, मतलब कि 60% मार्क्स लगभग आ ही जाएंगे अगर वो वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं तो। और उसमें भी 2 to 1 में मैं कुछ वीडियो को छोड़ दिया हूँ क्योंकि मुझे लगा कि अब 2 to 2 स्टार्ट करनी चाहिए, तो वो वीडियो भी मैं अपलोड कर दूंगा बहुत जल्द, जो भी छुट्टी हुई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब इसलिए भी कर लें दोस्तों कि अगर मैं सडनली 2 to 2 या फिर 2 to 1 में कोई भी टॉपिक ऐसा छूट गया तो अपलोड कर दूंगा, तो वो जानकारी आपको मिल जाएगी। नहीं तो क्या होगा कि वो वीडियो अपलोड भी मैं कर दिया हूँ और आपको जानकारी मिलेगी नहीं, आप एग्ज़ाम में जाके एग्ज़ाम देते हैं और आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन, आपको ऐसा लगेगा कि ये क्वेश्चन बताया नहीं गया था, लेकिन जब अगर आप उसके बाद वापस आके आप देख लेंगे मेरे चैनल में, तब इसका आपको परिणाम पता चलेगा कि मैं सब्सक्राइब क्यों नहीं किया। ठीक है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि ऐसा आपके साथ हो, बिल्कुल आप 60% मार्क्स एटलीस्ट ला के पास हो जाएं और हमें कमेंट करके बता दें कि आपकी वीडियो को देखने से ये लाभ हुआ है, तो उससे मुझे भी काफ़ी खुशी मिलेगी। चलिए अब ज़्यादा समय को बर्बाद न करते हुए तृतीयक स्रोत देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, तृतीयक स्रोत के बारे में हम लोग खुद से समझ सकते हैं कि तृतीयक स्रोत क्या होता है, यानी कि प्राथमिक स्रोत से द्वितीय स्रोत में इंफॉर्मेशन मिलती है और द्वितीय से तृतीय में मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल आप बहुत सारे एग्जाम्पल को आप समझ सकते हैं। मान लीजिए सपोज कि कहीं पे कुछ ऐसा घटना हुआ, वो जानकारी वहाँ से क्या हुआ कि किसी रिपोर्टर को मिली, तो रिपोर्टर क्या हुए, द्वितीयक स्रोत बन गए और वहाँ से वो क्या किए, रेडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से हम लोगों तक पहुँचा दिए, तो वो तृतीयक स्रोत कहलाती है। तो इसका हम लोग डिफिनेशन डिटेल में देख लेते हैं। चलिए, तृतीयक स्रोत सूचना के प्राथमिक व द्वितीयक स्रोत पर आधारित होते हैं। जी हाँ, जैसा कि प्राथमिक व द्वितीयक स्रोतों की कुंजी के रूप में सेवारत हैं, तृतीय स्रोत समाप्त प्राथमिक या द्वितीयक स्रोतों को में से संकलित किए जाते हैं और प्राथमिक अथवा द्वितीयक स्रोत का चयन करने में खोजकर्ताओं की मदद करते हैं। देखिए, इन प्रकाशनों का विषय का ज्ञान नहीं मिलता, परंतु यह उपयोगिता को प्राथमिक द्वितीयक स्रोतों की मांग के लिए उद्देश्य पूर्ति हेतु सर्वाधिक संबंध सूचना के लिए मार्गदर्शन करते हैं। जहाँ वांछित विषय पर सूचना उपलब्ध होगी, सूचना के तृतीयक स्रोतों के अंतर्गत साहित्य के लिए मार्गदर्शिका, संदर्भ स्रोतों की मार्गदर्शिका, वाण्मय सूचियाँ की सूची आदि प्रकाशन में आते हैं। प्रकाशन क्रम में प्राथमिक स्रोत प्रकाशित होते हैं, बाद में प्राथमिक स्रोतों पर आधारित द्वितीयक स्रोत संकलित किए जाते हैं। तृतीयक स्रोत तीसरे क्रम में आते हैं, ये स्रोत तथा प्राथमिक तथा द्वितीयक स्रोतों पर आधारित होते हैं तथा प्राथमिक और द्वितीयक स्रोतों के लिए मार्गदर्शन करते हैं। तो दोस्तों, आज का देखिए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं क्वेश्चन, वैसे ये क्वेश्चन तो एग्जाम में आते नहीं है, फिर भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके बाद का जो टॉपिक है वो कल के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों, आज का वीडियो को आप बिल्कुल सीरियसली लें, इसे आप नोट्स बनाएं, नोट्स को आप 2-3 बार 4 बार 5 बार भी पढ़ लें और एक बार आप लिख के प्रैक्टिस कर लें। अगर आप इतना कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में, आप मान के चलिए कि आप फर्स्ट डिवीज़न से पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता, अगर इसी तरह कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो। और दोस्तों, अभी देखिए बहुत सारे लोग डीमोटिवेटेड भी हो जा रहे हैं कि 9-9 पेपर मैं कैसे कंप्लीट करूँगा, एग्ज़ाम में टाइम नहीं है, क्या होगा। तो ऐसा बिल्कुल आपको माइंड में सोचना नहीं है, बल्कि आपको मोटिवेट रहना है। अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें कुछ मोटिवेशन वीडियो भी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं बिल्कुल प्रैक्टिकल लाइफ रिलेटेड मोटिवेशन वीडियो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत बुरे हालात में भी अच्छे पढ़ाई करके और सफलता हासिल किए हैं, तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं सोचना है, कंटिन्यू पढ़ाई में बने रहना है। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को बीच में स्किप कर देते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप एक वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, उसके बाद आप हमें अगर वीडियो में कुछ कमी रहती है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं आप लोगों की सुविधा के लिए अपना मेल आईडी भी दे दिया हूँ, बहुत जल्द मैं इंस्टाग्राम भी अकाउंट बना लूँगा आप लोगों की सुविधा के लिए, वहाँ पे मैं इंस्टाग्राम की भी आईडी दे दूँगा, वहाँ से हम लोग इंस्टाग्राम में भी जुड़कर पढ़ाई संबंधित चर्चा करेंगे। और दोस्तों, मैं आपसे अंतिम बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि कम से कम आप कोशिश करें कि आज कम से कम आप लोग के सहयोग के द्वारा कम से कम उन लोगों तक आप वीडियो को शेयर कर दें, अधिक से अधिक लोगों तक जिनको इस वीडियो की आवश्यकता है। जितने भी आपके ग्रुप हैं, फेसबुक ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आप शेयर कर देंगे, जिससे उन लोगों की भी हेल्प होगी। और अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो आप कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।